गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू राइमिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट दीज लाइन्स ऑफ चैप्टर 4 इन इंग्लिश. सो फर्स्टली आई विल टीच यू राइमिंग वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज डी, तो राइमिंग वर्ड क्या होगा? सी. सेकेंड लॉन्गर, सो इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर. थर्ड है पिप, सो डीप. फोर्थ है टिल, इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? हिल. इसमें क्या करना है आपको, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिखो जो मैंने आपको लिख के दिए. अगर आपको आते हैं एक्स्ट्रा कुछ तो आप बोलते हो, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज कम्प्लीट्स दीज लाइन्स. इस लाइन को कम्प्लीट करनी है. फर्स्ट लाइन इसमें व्हाट डज डैश फ्लाई अवे, तो हमें इसे कम्प्लीट करना है. सो क्या होगा, व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पिप ऑफ डे, लेट मी फ्लाई. सो लिटिल बर्डी मदर लेट मी फ्लाई अवे. ओके, सेकंड क्या होगा, बेबी से लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, बेबी स्लिप अ लिटिल लॉन्गर. सो पार्ट बी एंड पार्ट सी इज द होमवर्क ऑफ इंग्लिश. सो आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी क्या करना है, आपको होमवर्क करना है. इंग्लिश का होमवर्क है आपका. सो राइट डाउन करना है आपको इंग्लिश रीडर की नोटबुक में. सो इट्स योर होमवर्क ऑफ इंग्लिश. ओके, हिंदी में कल मैंने आपको ये जो टिक द सही गलत के निशान है वो करवा दिए थे. आज मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी. इसमें पहला है, सभी बुद्धू कहकर किसे चिढ़ाते थे? सभी बुद्धू कहकर गोपी को चिढ़ाते थे. इसका उत्तर है, सभी बुद्धू कहकर गोपी को चिढ़ाते थे. दूसरा है, गोपी को कौन सी सब्जी पसंद थी? गोपी को आलू की सब्जी पसंद थी. तीसरा क्वेश्चन है, गोपी बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने, इसका उत्तर है, डॉक्टर ने गोपी से कहा कि तुम हरी सब्जियां सब्जी खाओ और नियम से चलो, ठीक है. उसके बाद है फोर्थ, डॉक्टर ने गोपी को कौन सी चीज़ें कम खाने की सलाह दी? डॉक्टर ने गोपी को आलू और मिर्च कम खाने की सलाह दी, ठीक है. तो ये जो चार प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपने हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, ठीक है, और याद भी करना है. तो ये आपका हिंदी का होमवर्क है. Yesterday I taught you half a chapter in computer and today I will read you ahead of him. So let's start. And today's topic is modem, and the first topic is modem. Modem is a device that converts computer's digital data into analog data. Analog data can travel through telephone lines. देखो modem क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम जो कंप्यूटर्स का डाटा होता है उसको पहले हम एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करते हैं. इससे क्या होता है, जो टेलीफोन की लाइन होती है ना, इसके थ्रू हम जैसे कि एक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं, ठीक है. तो ये मॉडम का इसमें यूज़ होता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर सप्लाई. दिस यूनिट टेक्स अल्टरनेटिंग करंट विच इज़ अवेलेबल इन इलेक्ट्रिक पॉइंट्स. देखो जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स पे होता है. एंड कन्वर्ट इट इनटू अ वेरियस वोल्ट ऑफ डायरेक्ट करंट, और फिर हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, डायरेक्ट करंट में. ओके, ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रन, जिससे कि फिर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जिससे जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं फिर वो काम करती हैं, ठीक है. जो पहले अल्टरनेटिव करंट होता है हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट में, जिसको हम डीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. एंड फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी चीज़ों में इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है फिर वो चलता है, ठीक है. एंड नाउ आई रीड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. टॉपिक वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. अवर कंप्यूटर वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल, ठीक है. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल में. इट्स वर्क इन थ्री डिफरेंट स्टेज. आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. ओके, सो फर्स्ट इज इनपुट स्टेज. तो इन इनपुट स्टेज वी गिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ डिवाइस लाइक कीबोर्ड, जॉयस्टिक एंड माउस. देखो फर्स्टली हम क्या होता है, हम कंप्यूटर को पहले इनपुट देते हैं. कोई भी जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले हम उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं, जैसे कच्चा, जैसे देखो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है. तो पहले
कुछ उसमें डालते हैं तब जाके, जैसे हम मान लो रोटी बनाते हैं तो पहले आटा गूंथते हैं तब जाके रोटी बनती है ना, तो उसी तरह पहले कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग, द सेकेंड स्टेज इज प्रोसेसिंग। सो इन प्रोसेसिंग स्टेज द सिस्टम प्रोसेस द गिवन इनपुट, प्रोसेसिंग में वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप स्टेज इज इन आउटपुट स्टेज, आउटपुट ऑफ द प्रोसीड इनपुट इज डिस्प्लेसिंग द एंड आउटपुट डिवाइस लाइक द मोनिटर। फिर जैसे हमने कुछ कंप्यूटर में डाला तो वो चीज़ फिर मॉनिटर में शो करता है एज अ आउटपुट, ठीक है। पहले हम इनपुट डालेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगा, एंड द लास्ट इज आउटपुट, फिर उसमें से कुछ निकल के आएगा, ठीक है, जो आपने डाला है उसका आंसर। ओके, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। सो द ओके, तो अब आपको करना क्या है कि ये चैप्टर आपको केयरफुली रीड करना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो यही आपका होमवर्क है आज कंप्यूटर का, फिर कल मैं इसकी आपको एक्सरसाइज कराऊंगी।